नमस्कार, मैं हूं होम कुक रूमा और मैं करती हूं आपका स्वागत डियर फूड में। आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स, गार्लिक चीजी क्रीमी एंड रिच प्रॉन्स। बहुत ही टेस्टी होने वाला है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नाउ जॉइन मी, विल कुक टुगेदर। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर टाइगर प्रॉन्स। ये बड़े साइज का होता है और ये लगभग 500 ग्राम से। इसे बहुत अच्छे तरह से इसे आगे और पीछे से क्लीन करके और फिर पानी से साफ कर लिया है। अभी एक पैन को गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप कम से कम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मीडियम और लो फ्लेम के बीच में रख कर अच्छा से कुक कर लेंगे। लगभग 5 मिनट में ये कुक हो जाएगा। दोनों तरफ पलट कर इसे कुक कर लेंगे और उसके बाद इसे निकाल देंगे। इसी तरह हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो ये इस तरह से तैयार है। अब आगे हम यहाँ पर ले रहे हैं लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और आपके पास जो भी हर्ब्स हो आप ले सकते हैं। सारे लेना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। तो ये है बेसिल, और इसके बाद ये है सेज, आप देख सकते हैं। ये है रोजमेरी के थोड़े से लीव्स। इसके बाद है ये थोड़े से फ्रेश ऑरिगेनो, और इसके बाद जो दूसरा है वो है थाइम। तो मेरे पास ये सारे हर्ब्स थे तो मैंने सबका इस्तेमाल करने वाली हूँ, और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी फ्लेवरफुल होते हैं। अब हमने लहसुन को बहुत ही बारीक बारीक कट करना है, जितना बारीक हो सके, और हमने सारे लीव्स इसके निकाल लेने हैं। बेसिल का पत्ता बड़ा है तो मैंने उसे चॉप कर लिया है। अब उसी पैन को वापस से गर्म करेंगे और मैं उसमें बटर ऐड कर रही हूँ। अभी फ्लेम को लो रखना है बिल्कुल भी, और इसमें हमने गार्लिक डाल के इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद एक चम्मच यहाँ पे मैदा डाल के उसे पका लेंगे। कुछ सेकेंड में वो हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ एक कटोरा मैं फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। मैदा ऑप्शनल है, चाहे तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद एक कप यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। फ्लेम को लो ही रहने देना है। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालिए इसमें और सारे हर्ब्स डालिए। लगभग 1 से 2 चुटकी मैं यहाँ पर काली मिर्च डाल रही हूँ, और ये है चीज़। तो आप अपने पसंद का कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसे डालेंगे, मिक्स करेंगे, हल्का हल्का ये गाढ़ा हो जाएगा, और इसके बाद हमने इसमें पके हुए जो प्रॉन्स थे उसे डालना है। इसके बाद हमने बस 1 मिनट तक ही पकाना है, और चिली फ्लेक्स मिलाएंगे इसमें, और इसके बाद 1 मिनट के अंदर ही ये पककर तैयार हो जाएगा। काफ़ी रिच और काफ़ी फ्लेवरफुल है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और एक्जॉटिक डिश है। तो ज़रूर इंजॉय करिए इसे, गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप ईटिंग एंड टेक केयर।